ऐसी जगह पर है, ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ हमेशा मायने अलग ले लिए जाते हैं, तो कहना पड़ता है कई बार, स्पेशली मेरे जैसी मुँह फट जो हो उसका आपको बार बार क्लियरेंस देनी पड़ती है, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के यहाँ पर, हालांकि आई नो द प्ले, बट बहुत खूबसूरत तरह से इसमें मेरा वो मतलब नहीं को बहुत सुंदर तरह से रोमांटिसाइज किया गया है इसमें। क्या बोल सकती हूँ मैं अनुपम जी के लिए, समबडी हु इज आई थिंक अ ग्रेट एंटरटेनर और बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं और स्टेज पर तो आई जस्ट लव हिम, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस प्ले। जब मैं और मेरी दोस्त हम ऐसे डिस्कस किया तो जब उन्होंने बताया कि प्ले का नाम क्या है तो मैं हंस रही थी, वो बोला कि आई फील सो कनेक्टेड टू द नेम, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसी बोलती हूँ, मेरा मतलब नहीं ये नहीं था, क्योंकि बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना, ये एक कॉमन चीज़ है एक्चुअली ज़िंदगी है ज़िंदगी में मुझे लगता है। सो हाँ, मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी द प्ले एंड मैं देखना चाहती हूँ कि ये प्ले का मतलब क्या है। जी मैंने एक्चुअली थिएटर किया व्हेन आई वाज यंगर स्वीडन में, और एक्चुअली आई एम मिसिंग इट अ लॉट, क्योंकि थिएटर एंड एक्टिंग इन मूवीज़ बहुत अलग है। इन थिएटर इट्स सो रियल एंड इन एवरी प्ले यू डू समथिंग न्यू कम्स आउट, हर बार कुछ सब प्ले यूनिक है, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली। मैं अपने भाई को शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मुझे मालूम है हमेशा कितना इस बार भी उत्तीर्ण होएगा। आई लव हिम। अनुपम खेर, नीना गुप्ता, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट एक्सेप्ट ग्रेट परफॉर्मेंसेस, ग्रेट राइटिंग एंड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। प्ले के बाद ही इसका जवाब दूंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट स्टफ। आई थिंक हमारा ज़्यादातर ही होता है, आई थिंक जब हम एक्टर बन जाते हैं तो डिप्लोमेसी सीख जाते हैं, जब तक सीखते नहीं है तब तक हम बोलते हैं मेरा वो मतलब नहीं था, जब सीख जाते हैं फिर ये यूज़ नहीं होता। मेरा जो मैंने एक्टिंग कोर्स किया था जब मैं मुंबई आई एक्टर्स प्रोफेसर था, तो अनुपम सर एक हिसाब से मेरे मेंटर, मेरे गुरु हैं, तो उनका प्ले देखने के लिए एक्साइटेड। ऑफकोर्स ग्रेट एक्टर्स नीना जी एंड अनुपम सर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्टर्स हैं दोनों, तो आई थिंक हम बस बहुत एक पावर पैक्ड प्ले देखने जा रहे हैं। नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात कही नहीं है जो मैं मीन नहीं करता, और जो मीन करता हूँ वही कहता हूँ।